हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, मेरा नाम है मांशु, आप देख रहे हो पावर हाउस इफेक्ट, लेट्स टॉक सिनेमा। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कल को वो चेंज हो सकता है, लेकिन आज के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, मेरे लिए भी और उन सभी के लिए जिन्हें मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है। तो शुरू करते हैं क्लैश ऑफ द ईयर। 15 अगस्त जैसे मोस्टली सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें बता देता हूं कि मिशन मंगल, साहो एंड बटला हाउस का क्लैश होने वाला है बिग स्क्रीन पे, और साथ ही उस दिन आ रहा है नेटफ्लिक्स पे सीक्रेट गेम्स 2। तो देखा जाए तो चार बड़ी रिलीज हैं 15th ऑफ अगस्त को हम ऑडियंस के लिए, और एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इतनी सारी कंटेंट ड्रिवन चीज़ें आ रही हैं कि हमें अपने वॉलेट को बहुत बचा के चलना है। सबसे पहले बात करते हैं मिशन मंगल की, जिसमें है अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, विद्या बालन, कीर्ति कुलारी, शर्मन जोशी, नित्या मेनन। Copy that. This is Rakesh Dhawan, Mission Control initiating command for launch. Roger that. All procedures start. इतनी बड़ी स्टार कास्ट और कंटेंट क्या है, टॉपिक क्या है? मिशन मंगल, इंडिया का सबसे पहला सबसे सक्सेसफुल मंगलयान मिशन, जो वर्ल्ड का सबसे सस्ता मिशन भी था। तो ऐसी कंटेंट वाली मूवी आ रही है 15th अगस्त को। अगर डायरेक्टर की बात करूं तो डिबटेंट जगन शक्ति जी हैं, जिन्होंने असिस्ट किया है इंग्लिश विंग्लिश, हॉलीडे, पैडमैन जैसी बड़ी मूवीज में। बहुत सारी उम्मीदें हैं जगन शक्ति जी से, एंड बहुत इंस्पायरिंग मूवी लग रही है मिशन मंगल। सेकेंड मूवी है साहो, जिसमें है प्रभास, श्रद्धा कपूर, नील नितिन मुकेश, जैकी श्रॉफ, एवलिन शर्मा, मंदिरा बेदी, चंकी पांडे, और इसके डायरेक्टर हैं सुजीत। इस मूवी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये मूवी हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज होने वाली है। तो साउथ की इंडियन इंडस्ट्री जो है वो साहो को सबसे ज़्यादा प्रेफर करेगी, लेकिन रोबोट 2.0 के बाद अक्षय सर ने भी अपना साउथ में फैन फॉलोइंग बहुत इंक्रीज कर लिया है। इन दोनों मूवी का क्लैश होना साउथ में कैसा रहेगा वो देखने लायक होगा। थर्ड मूवी है बटला हाउस, जिसमें है जॉन अब्राहम, मृणाल ठाकुर, नोरा फतेही, रवि किशन जैसे एक्टर्स। बटला हाउस 2008 में हुए एनकाउंटर के ऊपर है, जिसे मीडिया अटेंशन बहुत ज़्यादा मिला था उस टाइम, लेकिन असली में क्या हुआ था वो नहीं पता किसी को। उसी चीज़ को बताने के लिए मूवी बनाई गई है। ट्रेलर तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या मिशन मंगल साहो के सामने बटला हाउस टिक पाएगी, क्योंकि स्टार पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट के साथ। जिन लड़कों को आपने मारा वो सारे के सारे स्टूडेंट्स थे? हाँ। बेकसूर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स कहा मैंने, बेकसूर नहीं कहा। हमारी पाक किताब में ये लिखा गया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो तुम आयम के 100 लोगों ने ये पाक किताब पढ़ी है, बाकी के हमारे 17 करोड़ मुसलमानों को पढ़ना नहीं आता। अगर मैं डायरेक्टर की बात करूं बटला हाउस के, तो वो हैं निखिल अडवाणी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है। मैं उनकी मूवीज गिना देता हूं, कट्टी बट्टी, हीरो, पटियाला हाउस, चांदनी चौक टू चाइना, सलामे इश्क, सिर्फ एक मूवी कल हो ना हो ही उनकी हिट मूवी है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता ये मूवीज हिट थी, लेकिन राइटर जो हैं बटला हाउस के वो बहुत ही अच्छे राइटर हैं, रितेश शाह, जिन्होंने एयरलिफ्ट, रॉकी हैंडसम 3, मदारी, पिंक, रेड जैसी मूवीज लिखी हैं। तो
राइटर वाइज ये मूवी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, लेकिन डायरेक्शन, अब इन तीनों की सबसे बड़ी दिक्कतें जो हैं वो ये हैं कि सबसे पहले होगा स्क्रीन शेयरिंग। बहुत लिमिटेड स्क्रीन्स हैं इंडिया में, किस तरह से मूवी को डिवाइड किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर उसी चीज़ पर पैसा लगाता है जहाँ से उसे प्रॉफिट दिखता है। साहो, मिशन मंगल बहुत प्रॉफिट अर्निंग वाली मूवीज़ हैं, वहीं बटला हाउस जॉन अब्राहम रॉ के बाद और परमाणु भी 100 क्रोर्स नहीं कर पाई थी, अच्छी मूवी थी, रॉ भी ठीक मूवी थी लेकिन वो फ्लॉप थी। तो जॉन अब्राहम का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो 100 क्रोर मूवीज़ नहीं दे पाए हैं, वहीं साहो, प्रभास, सबको पता है बाहुबली, एंड मिशन मंगल अक्षय कुमार, सबको पता है कि वो 100 क्रोर मूवीज़ तो देते ही हैं, पैडमैन को इग्नोर किया जाए तो। साहो और बटला हाउस दोनों में टी सीरीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, तो खुद ही अपनी मूवीज़ क्लैश क्यों कोई करेगा। आई थिंक बटला हाउस को मूव करना होगा एक दूसरी डेट पर, फिर भी क्या होता है देखते हैं। इसके बाद जो बड़ी परेशानी है वो ये है कि अगस्त में है जबरिया जोड़ी, जबरिया जोड़ी को भी स्क्रीन मिलेगी। दूसरी है हॉब्स एंड शॉ, जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज के बहुत बड़े फैंस हैं इंक्लूडिंग मी, वो हॉब्स एंड शॉ देख तो लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत में नहीं जाते, वो काफ़ी टाइम बाद जाते हैं मूवीज़, तो हॉब्स एंड शॉ भी चलती रहेगी थिएटर्स में। उसके अलावा ब्रैड पिट, लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड मार्गरेट रॉबी की वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड भी एक हफ्ते पहले रिलीज होगी, दो इंडिया में उसकी इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं होने वाली, बहुत लिमिटेड स्क्रीन्स में रिलीज होगी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, लेकिन फिर भी स्क्रीन्स जाती हैं। और एक स्क्रीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इन तीनों मूवी को क्लैश के लिए, इसके ऊपर सबसे बड़ी चीज़ है सेक्रेड गेम्स 2। उस पे लिखा है कि जंग का वक्त आ गया। वो हिरोशिमा नागासाकी जंग की तैयारी करके बैठे हैं और दुश्मन के बारे में पता ही नहीं आपको। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है सीक्रेट गेम्स के लिए। सीक्रेट गेम्स 1 एक क्लिफ हैंगर पे छूटा हुआ था, सीक्रेट गेम्स 2 देखने वालों की लाइन और भी ज़्यादा लंबी है। बहुत सारे लोग उसे फर्स्ट डे इटसेल्फ ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, एंड वो आपके मोबाइल फ़ोन पे है सीधा, वो तीन मूवी को कड़ी टक्कर दे सकता है सीक्रेट गेम्स का सीज़न 2। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये इंटेंशन था कि मैं आपके नॉलेज में भी ले आऊँ कि तीन मूवीज़ प्लस सीक्रेट गेम्स और पुरानी एग्जिस्टिंग मूवीज़ रहेंगी 15 अगस्त को। आप अभी से डिसाइड करके रखिएगा कि आपको एक कौन सी मूवी जानी है, क्योंकि सारी देखना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हालांकि मैं तो सारे के रिव्यू लाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मिशन मंगल, साहो एंड बटला हाउस में से कौन सी मूवी जानी है, एंड क्या आप सीक्रेट गेम सीजन 2 फर्स्ट डे इटसेल्फ देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे मोटिवेशन मिलेगा जब आप करेंगे सब्सक्राइब और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को और मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो, एनवायरनमेंट का ख्याल रखो। जय हिंद, जय सिनेमा।